त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां और आज मैं आपको बताऊंगा कि सांख्यिकी किसे कहते हैं या इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो इसको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सांख्यिकी की परिभाषा को जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि सांख्यिकी का आविष्कार किसने किया, अर्थात सांख्यिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो सांख्यिकी का जो जन्मदाता माना जाता है वह माना जाता है जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड आकेनवाल। और सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले उसने प्रयोग किया था 1749 में, अर्थात 1749 में। तो इस प्रकार से सांख्यिकी का जन्मदाता कौन हो गया? गॉटफ्राइड आकेनवाल। तो जो सांख्यिकी है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब समझते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है अंग्रेजी में वह कहां से आया। तो जो स्टैटिस्टिक शब्द अंग्रेजी में आया वह आया जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स या इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा से आया है। तो कहने का अर्थ है कि जो अंग्रेजी भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक्स है उसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक या इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा से हुई है। और इन दोनों का अर्थ होता है राज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट, STATE। तो इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो प्रयोग होता था प्राचीन काल में वो होता था राज्य के रूप में। तो इस प्रकार से जो सांख्यिकी है उसको प्राचीन काल में राजाओं के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। किसके विज्ञान के रूप में जाना जाता था? राजाओं के विज्ञान के रूप में जाना जाता था कि प्राचीन काल में जो राजा लोग होते थे उनको कितने सैनिक चाहिए, कितने सैनिक रिटायर होने वाले हैं, कितने घोड़े चाहिए, कितने हाथी चाहिए, इनकी सुविधा के लिए उनको क्या करने पड़ते थे? आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता था कि हमें यदि लड़ाई लड़नी है, यदि हमें सेना में नए सिपाही भर्ती करने हैं तो कितने चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए थे? आंकड़े होना बहुत जरूरी था। तो इस प्रकार से सांख्यिकी शब्द का जो प्रयोग करते थे, अर्थात सांख्यिकी आंकड़ों का जो प्रयोग करते थे वो प्राचीन काल में कौन करते थे? राजा करते थे, क्योंकि वो राज्य करते थे, शासन व्यवस्था वही करते थे, इसलिए उनको आंकड़ों की जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए इसको राजाओं के विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार से हम भारत के अंदर देखते हैं कि सम्राट अशोक के काल में राजा टोडरमल ने लगान का निर्धारण करने के लिए भूमि के आंकड़े एकत्र किए थे। इसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी शासन संबंधी आंकड़े देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ संक्षिप्त रूप में सांख्यिकी का इतिहास। अब इसको जानने के बाद अब समझते हैं कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी की परिभाषा दो रूपों में ली जाती है, अर्थात उसका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला आता है सांख्यिकी एक वचन में और दूसरा आता है सांख्यिकी बहुवचन में। तो इस प्रकार से सांख्यिकी की जो परिभाषा है वह दो प्रकार से दी जाती है। पहला जो आता है सांख्यिकी एक वचन में और नंबर दो आता है सांख्यिकी बहुवचन में। तो अब हम पहले समझेंगे कि सांख्यिकी एक वचन में क्या होती है उसकी परिभाषा, और उसके बाद समझेंगे कि सांख्यिकी की परिभाषा बहुवचन में क्या होती है। आप सबसे पहले समझते हैं कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है। तो सांख्यिकी का एक वचन में जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सांख्यिकी विज्ञान से, अर्थात एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान से है। अब इस विज्ञान में क्या क्या आता है? उसमें आता है अर्थात इसमें समंकों का संग्रहण, अर्थात जो आंकड़े हैं, जो समंक जिनको कहा जा रहा है उनको आंकड़े भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको डेटा कहते हैं। तो इस प्रकार से समंकों का संग्रहण किया जाता है, फिर उन समंकों को व्यवस्थितीकरण अर्थात उनको ठीक ढंग से लगाया जाता है। उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण विभिन्न माध्यमों से, चाहे चित्रों के माध्यम से करें, ठीक है, या विभिन्न डायग्रामों के माध्यम से करें, तालिका सारणी के माध्यम से करते हैं। समंकों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, और अंत में आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है, अर्थात आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाता है।
इसी को एक वचन में क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। तो संक्षेप में एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है, सांख्यिकी विज्ञान से होता है या उसको कहते हैं सांख्यिकी विधियों से होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या हुआ, एक बार पुनः दोहरा देते हैं, एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विज्ञान से या सांख्यिकीय विधियों से होता है। एक वचन में सांख्यिकी की परिभाषा जानने के बाद आता है कि बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है। तो बहुवचन में सांख्यिकी की जो परिभाषा होती है वो होती है आंकड़ों या समंकों के समूह से होती है कि जिससे उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। अर्थात उन्हीं समंकों या आंकड़ों को सांख्यिकी कहते हैं बहुवचन में, जिनसे क्या निकाला जा सके, उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। अब कौन समंक हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र 45 साल है, ये कोई समंक नहीं है। और यदि मैं कहूं कि 2015 में मेरी उम्र जो थी वह 40 साल थी और 2019 में मेरी उम्र बढ़कर 45 साल हो गई है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा समंक। अकेला कोई भी अंक समंक नहीं होता है। यदि हमने कह दिया कि किसी व्यक्ति की आयु क्या है, 55 वर्ष है, माना वो व्यक्ति है एक्स और उसकी आयु क्या है, 55 वर्ष है, यह समंक नहीं है। और यदि हम कहें कि उसकी उम्र क्या थी कि 2005 में 55 वर्ष थी और उसी व्यक्ति की जो आयु थी वह 2010 में बढ़कर वह 60 वर्ष हो गई, तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, समंक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो समंक होते हैं वो कैसे होते हैं, परस्पर तुलनीय होते हैं। क्योंकि यदि हमने कह दिया 55 वर्ष का है तो इससे पहले के बारे में जानकारी नहीं है वो कितने वर्ष का था, ठीक है, या आने वाले समय कितने वर्ष का होने वाला है। तो इस प्रकार से इन दोनों की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो समंक वही कहलाते हैं बहुवचन के रूप में कि जो क्या होते हैं, परस्पर तुलनीय होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि जो सांख्यिकी है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो दो अर्थों में किया जाता है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। लेकिन जो सांख्यिकी का या जो सांख्यिकी की जो स्पष्ट परिभाषा है वो आती है बहुवचन के रूप में, क्योंकि बहुवचन के रूप में क्या होता है, आंकड़ों या समंकों के समूह से होता है जिनसे कि उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। तो इस प्रकार से सांख्यिकी की जो परिभाषा है उसके रूप हो गए दो, लिखने आपने दो ही हैं, सांख्यिकी एक वचन के रूप में भी लिखना है और सांख्यिकी बहुवचन के रूप में भी लिखना है। अब आता है सांख्यिकी की विशेषताएं या समंकों की विशेषताएं। सांख्यिकी जो होती है वो समंकों का ही समूह होती है, इसलिए इसको समंकों की विशेषताएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो सांख्यिकी है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है तथ्यों के समूह, अर्थात तथ्यों के समूह को ही सांख्यिकी कहा जाता है, अर्थात एक अकेला समंक सांख्यिकी नहीं कहलाता है। एक व्यक्ति की आय है उसको हम सांख्यिकी नहीं कह सकते हैं, उसको समंक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। एक व्यक्ति का उत्पादन है, चाहे वो कृषि का उत्पादन है या चाहे फलों का उत्पादन है, उससे भी हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। जब अनेक व्यक्तियों की आय का, अनेक व्यक्तियों के उत्पादन का, अनेक व्यक्तियों की बिक्री का जब हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, तब जाके वह समंक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अकेला समंक नहीं होता है, समंक क्या होते हैं, तथ्यों के समूह होते हैं, अर्थात जब विशाल आंकड़े जब इकट्ठा होते हैं तो वह मिलकर बनाते हैं सांख्यिकी या समंक। दूसरा आता है संख्याओं में प्रकटीकरण, अर्थात जो समंक हैं उनको हम केवल संख्याओं में ही व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने का अर्थ है सांख्यिकी का या समंकों का अर्थ ही नहीं है कौन गोरा है, कौन काला है, कौन स्वस्थ है, कौन अस्वस्थ है, ठीक है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन बौना है, इस प्रकार का जो ये शब्द हैं इसका सांख्यिकी का कोई लेना देना इनसे नहीं है। इसमें केवल जो आंकड़े आते हैं उनको किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उनको केवल संख्याओं में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे
कि 2010 में गेहूं का उत्पादन क्या हुआ, मानवत 50 टन हुआ। 2015 में कितना हुआ, 200 टन हुआ। अगले वर्ष में कितना हुआ, हो सकता है कि 120 टन हुआ। तो इस प्रकार से जो भी चीजें होती हैं समंकों में, वो संख्याओं में ही प्रकट की जाती है। यदि उम्र है तो उम्र भी क्या होगी, संख्याओं में प्रकट होगी। लंबाई भी होगी तो किस में प्रकट होगी, वह भी संख्या में ही प्रकट होगी। ठीक है, चाहे वो चौड़ाई है, चाहे ऊंचाई है, लंबाई है, चाहे क्षेत्रफल है, चाहे कुछ भी चीज है, वो सारी की सारी चीजें सांख्यिकी के अंदर किस रूप में प्रकट की जाती है, संख्याओं के रूप में प्रकट की जाती है। जो तीसरी प्रमुख विशेषता आती है, सही ढंग से एकत्रीकरण, अर्थात जब समंकों को इकट्ठा करते हैं तो उनको व्यवस्थित ढंग से एकत्र करना पड़ता है। यदि अंकों को या समंकों को यदि सही ढंग से एकत्र नहीं करेंगे तो उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। माना उदाहरण के तौर पे कि हम 5 स्कूलों में गए और हमने वहां विद्यार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं कि विभिन्न क्लासों में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, एक स्कूल में गए तो जानना पड़ेगा कि 6 क्लास में, यदि वो क्लास 6 स्टैंडर्ड से शुरू होती है तो 6 में देखेंगे कितने बॉय हैं और कितनी गर्ल्स हैं। इस प्रकार 7th में देखेंगे, 8th में देखेंगे, 9th में देखेंगे और 12th में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले स्कूल में जाएंगे, फिर अगले स्कूल में जाएंगे, फिर अगले स्कूल में जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आंकड़े आएंगे तो अलग अलग लाए जाएंगे। ठीक है, कि इस प्रकार से एक मेल का आ गया और एक फीमेल का आ गया प्रत्येक स्कूल का। तो इस प्रकार से, और यदि हमने सारे इकट्ठा एक साथ कर दिए और पता नहीं चला कितनी गर्ल्स हैं और कितने क्या है बॉयज हैं, तो इस प्रकार से जो आंकड़े एकत्र आपने किए वो समंक नहीं कहलाएंगे। कहने का अर्थ है कि जितने भी आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय आय के किए जाए, वो राष्ट्रीय उत्पादन के किया जाए या वो विदेशी व्यापार के किए जाए, तो सारे के सारे किस ढंग से एकत्र होने चाहिए, वो व्यवस्थित ढंग से इकट्ठे होने चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से एकत्र उनको होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कहलाएंगे, समंक कहलाएंगे। अगला आता है परस्पर तुलनीय। जो समंक होते हैं वह तुलनीय होने चाहिए, अर्थात उनकी तुलना की जा सके। तो तुल्य कब होते हैं, तुलना तब कर सकते हैं हम कि जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से संबंधित हो। जैसे गेहूं है तो जो कृषि प्रोडक्ट है, अर्थात जो कृषि खाद्य पदार्थ है, जो कृषि फसलें हैं, उनकी तुलना की जा सकती है। अब यदि हम कृषि की जो पदार्थ हैं, जैसे हम गेहूं है चावल की तुलना हम लोहे से करने लगे, सोने चांदी से करने लगे, तो इस प्रकार की जो तुलना होगी वह समंक नहीं कहलाएंगे। खनिज पदार्थों की तुलना खनिज पदार्थों से ही होगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं उनकी तुलना भी कपड़ों से ही होगी। खाद्यान्न पदार्थों की तुलना किससे होगी, खाद्य पदार्थों से ही होगी। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि जो आंकड़े होते हैं जिनको क्या करते हैं एकत्र किया जाता है, वह परस्पर तुलनीय होने चाहिए, उनकी हम तुलना कर सके। इंसान की तुलना कैसे हो सकती है, इंसान से हो सकती है, इंसान की तुलना हम जानवर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए उचित शुद्धता, अर्थात जो समंक या आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, उनमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यदि उनमें त्रुटि आती है तो वो समंक नहीं कहलाएंगे। त्रुटि आ जाती है तो इसका मीनिंग हुआ कि उसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अगला जो आता है, समंक विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं। जो डेटा होता है वो अनेक कारणों से प्रभावित होता है, कि जैसे मंदी काल जब होता है तो हम देखते हैं कि देश की जो जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद गिर जाता है। ठीक है, अब गिरता क्यों है, उसके कई कारण होते हैं। यदि इस प्रकार से हम फसलों की बात करें, क्योंकि कभी फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और कभी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कभी बढ़ जाता है अर्थात अच्छी वर्षा होती है, ये किसान क्या करते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, सिंचाई की अच्छी सुविधा होती है, मिट्टी अच्छी होती है, तो इसलिए फसलों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसके विपरीत यदि क्या हुआ कि बारिश कम हुई, ठीक है, बारिश कम होने से क्या होगा, सूखा पड़ेगा, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, यदि पुराने बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और फसलों में रोग लग गया तो इससे क्या होगी, फसलें चौपट हो जाएंगी या फिर कम प्रोडक्शन होगा। तो कहने का अर्थ है यदि फसलों का जो डेटा आ रहा है वो क्या होगा, वो विभिन्न कारणों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो कृषि के आंकड़े ही प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यदि मांग गिरती है ऑटो क्षेत्र की तो निश्चित तौर पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्या ही मंदी आई, गाड़ियां नहीं बिकेंगी। ठीक है, और अगला देखिए पूर्व निश्चित उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जितनी चीजें हमने आपके बताई सांख्यिकी विशेषताएं या समंकों की विशेषताओं में ये आता है कि जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं वो बिना मकसद के इकट्ठा नहीं किए जाते हैं। यदि वो बिना मकसद के इकट्ठा किए जाते हैं तो इसका मतलब हुआ वो कूड़ेदान में जाने वाले हैं, कूड़ेदान में चले जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जो भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं सांख्यिकी में उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, और यदि बिना उद्देश्य के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं तो उसको सांख्यिकी नहीं कहते हैं या उसको समंक नहीं कहते हैं। क्योंकि आंकड़े क्यों इकट्ठा किए जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं आंकड़ों को इकट्ठा करती हैं। जब भी कंपनी बाजार में उतरती है तो सबसे पहले बाजार में क्या करती है, सर्वे करती है, देखती है कि हम जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे क्या बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। यदि उसकी मांग नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो कंपनी जब सर्वे करती है तो उसका उद्देश्य होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम जिसको बनाना चाह रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं। तो इस प्रकार से उनका उद्देश्य क्या हो गया कि अपने प्रोडक्शन को बेचना, इसलिए वो सर्वे करा रहे हैं, उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। तो इसलिए जो भी डेटा होता है, जो भी समंक होते हैं, वह पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुसार ही एकत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने आज आपको बताया कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी में हमने सबसे पहले आपको बताया कि सांख्यिकी का आविष्कार किसने किया। तो आधुनिक काल में सांख्यिकी का जो जन्मदाता है उसे माना जाता है, किसे माना जाता है, गॉटफ्राइड आखेनवाल, जिसने की 1749 में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद हमने बताया आपको कि सांख्यिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इटालियन भाषा के शब्द या जर्मन भाषा के शब्द से हुई है। उसके बाद वो शब्द इंग्लिश में आया जिसको स्टैटिस्टिक्स कहा गया और हिंदी में उसको सांख्यिकी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सांख्यिकी है उसका सीधी की सीधी परिभाषा नहीं आती है, उसकी परिभाषा को दो रूप में लिया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है, विज्ञान के रूप में जानी जाती है या सांख्यिकी विधियों के रूप में जानी जाती है, जबकि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का जो अर्थ होता है वो तथ्यों के समूह से होता है, आंकड़ों के समूह से होता है जिनसे कि उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सांख्यिकी है या जो समंक है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो ये विशेषताएं मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार से ये हुआ कि सांख्यिकी किसे कहते हैं और सांख्यिकी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं।